छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आ रहा है, जहां सोमवार सुबह उन्होंने अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकाल रही है। यह हास्यास्पद है कि 5 साल में कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय किया, भ्रष्टाचार किया, बेरोजगारी दी, छत्तीसगढ़ को संकट में डाला और आज न्याय यात्रा निकाल रही है। उनके पास सिर्फ सवाल है और जब हम उनसे सवाल करते हैं तो वे चिढ़ जाते हैं। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है, यही कारण है कि वे बेतुके बयान देते हैं। उनके बयानों का उनका ही नुकसान हो जाता है। इस बारे में उन्हें सोचना चाहिए, हमें नहीं। रायपुर से भुलेश मिश्रा की रिपोर्ट। जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछले 75 सालों में देश की जनता के साथ, देश के साथ अन्याय किया हो, उसके मुंह से न्याय की बात शोभा नहीं देती है। 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसके साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अन्याय न किया हो, और आज इनके मुंह से न्याय यात्रा की बात शोभा नहीं देती है। हमारी सरकार पिछले 9 महीनों में जिस प्रकार से जनता की इच्छा और आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर रही है, जिस प्रकार से कड़े और बड़े निर्णय लेकर हमारी सरकार काम कर रही है, आज छत्तीसगढ़ में जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है, हर वर्ग के लोगों के हित में हमारी सरकार काम कर रही है, चाहे माताएं बहनें हों, युवा हों, हर वर्ग के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता से तेज गति से काम कर रही है। मोदी की एक एक गारंटी पूरा करने का काम कर रही है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक करने के लिए लगातार कड़े और बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं।